सुप्रभात विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे पादप वृद्धि एवं परिवर्तन, और उसमें अपन ने प्लांट पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे थे। तो PGR, यहां पर आपको एक फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि PGR का पूरा नाम बताइए। तो PGR का पूरा नाम क्या हो गया? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या हिंदी में अपन कह देंगे पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन, तो पांच प्रकार के अपने पास पादप वृद्धि हार्मोन थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सेसिक एसिड। इनमें से आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी? ऑक्सिन की। तो ऑक्सिन के बायो एसे टेस्ट अपने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। ऑक्सिन के बायो एसे टेस्ट में क्या था, या हिंदी में अपन कह देंगे ऑक्सीन के जैव आमापन परीक्षण। जैव आमापन परीक्षण के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि फ्रांसिस डार्विन के बेटे थे, उन्होंने जई के प्रांकुर चोल पर अपने प्रयोग किए थे। पाल ने भी इनमें योगदान दिया था, और उसके बाद में FW वेंट ने इनको कंक्लूड किया था। इनके अनुसार क्या होता है कि पादप के शीर्ष भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, और शीर्ष भाग में संश्लेषण होने के पश्चात वे अप्रदीप्त, यानी जिस दिशा में पादप को प्रकाश नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए सूर्य इधर है तो इधर से प्रकाश आ रहा है, तो ऑक्सीजन का संश्लेषण यहां शीर्ष भाग में होने के पश्चात इस भाग से अप्रदीप्त भाग से नीचे की तरफ स्थानांतरित होते हैं। और ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा ग्रुप है पादप हार्मोन का, जो वृद्धि के लिए सर्वप्रथम उत्तरदायी होता है। अब कुछ ऑक्सीजन के प्रकार हैं, अलग अलग प्रकारों में इनको हम विभेदित कर सकते हैं। जैसे वे पदार्थ जो आगे जाके ऑक्सीजन का कार्य करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती ऑक्सीजन, यानी आगे जो ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। और ऑक्सीजन क्या है, तो ये आपको बताया था रासायनिक रूप से ऑक्सीजन क्या है, IAA है। अर्थात एक प्रश्न ये भी बनता है कि IAA की फुल फॉर्म दीजिए, या IAA को विस्तारित कीजिए, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले इंडोल एसिटिक एसिड को मानव मूत्र के द्वारा पृथक किया गया था, हालांकि मानव में इसके योगदान या इसके रोल का अभी तक पता नहीं लगा है। तो वे पदार्थ जो आगे जाके, जैसे अपन कहते हैं ना पूर्ववर्ती एंजाइम, कोई भी स्टेज है पादपों के अंदर जिसको अपन कहते हैं कलिका। कलिका आगे तने का भी निर्माण कर सकती है, आगे पत्ती का भी निर्माण कर सकती है, आगे जड़ का भी निर्माण कर सकती है। तो पूर्ववर्ती अवस्था, तो ऑक्सीजन की जो पूर्ववर्ती अवस्था है, जो पूर्ववर्ती ऑक्सीजन कहलाते हैं, मतलब जो कंपाउंड आगे जाके क्या करेंगे, ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। इसके पश्चात अगर हम ऑक्सीजन को पृथक करना चाहें और वो आसानी से पृथक हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मुक्त ऑक्सीजन। और अगर पादपों से हम ऑक्सीजन को पृथक करना चाहें और वो आसानी के साथ पृथक नहीं होता है, तो उसे हम कह देते हैं बंधित ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? बंधित ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्सीजन के प्रकार अपन कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती ऑक्सीजन वे पदार्थ जो आगे ऑक्सीजन का कार्य करेंगे, और जो आसानी से पृथक हो सकते हैं उन्हें हम मुक्त ऑक्सीजन कहते हैं, और जो आसानी से पृथक नहीं हो सकते उन्हें बंधित ऑक्सीजन कहते हैं। और ऑक्सीजन का जो मुख्य कार्य है वो है, आपको ध्यान में रखना इसका वर्णन करते वक्त, वैसे अपन जब इसके कार्य की प्रभाव लिखेंगे तब भी हम बताएंगे कि ऑक्सीजन का क्या कार्य है। ऑक्सीजन का कार्य है शीर्ष प्रमुखता, यानी चाहे वो जड़ भाग हो या वो तना भाग हो या परोह भाग हो, परोह भाग में जो वृद्धि होती है उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, ऑक्सीजन के विपरीत काम करते हैं, उन्हें हम प्रति ऑक्सीजन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के चार प्रकार हो गए। एक वे पदार्थ जो आगे जाके ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे, पूर्ववर्ती ऑक्सीजन, वे ऑक्सीजन जिन्हें पादपों से आसानी से पृथक किया जा सकता है मुक्त ऑक्सीजन, और वे ऑक्सीजन जिन्हें
आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। बंधित ऑक्सीजन और वे ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के विपरीत कार्य करते हैं प्रति ऑक्सीजन या एंटी ऑक्सीजन कहलाते हैं। इसके पश्चात यहां ऑक्सीजन के अंतर्गत क्या है कि कृत्रिम रूप से भी विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजनों का संश्लेषण किया गया है, तो और ऑक्सीजन की संरचना ये दोनों आप लोग देखिए। कृत्रिम रूप से भी कई प्रकार के ऑक्सीजन का संश्लेषण किया गया है। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन दो प्रकार के हैं, ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी। ऑक्सीजन ए का अणु सूत्र क्या है, C18H32O5, और ऑक्सीजन बी का C18H30O4। और अगर इसकी संरचना देखें तो संरचना अपने को दो विषम चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं, एक जैसे अपने पास बेंजीन के जैसी संरचना और दूसरी पायरोल के जैसी संरचना, और यहां CH2CWH जुड़ा हुआ है, यहां NH जुड़ा हुआ है। ये इसका क्या है, संरचना सूत्र है। अणु सूत्र की बात करें तो ऑक्सीजन ए C18H32O5 और ऑक्सीजन बी का C18H30O4, ये इसका अणु सूत्र है ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी का, और ये संरचना सूत्र है। और उसके पश्चात कृत्रिम ऑक्सीजन का संश्लेषण किया गया है, तो हमारे को परीक्षा में इनके पूरे नाम पूछे जा सकते हैं। तो IAA का मैंने आपको बता दिया अभी, इंडोल एसिटिक एसिड। IAA का पूरा नाम क्या है, जो कि कृत्रिम रूप से या जो मेन ऑक्सीजन होता है उसका रासायनिक पदार्थ क्या है, IAA है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रासायनिक रूप से क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है। बाकी ये जो जितने भी प्रकार लिखे हुए हैं इनके पूरे नाम अपने को पूछे जा सकते हैं, और इनके पूरे नाम और ये क्या है, कृत्रिम रूप से संश्लेषित ऑक्सीजन है, ठीक है। तो IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। फिर आ जाता है अपना IPA, IPA का पूरा नाम क्या है, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, या इसको आप अमल भी लिख सकते हैं अगर हिंदी में पूरा ही लिखें तो, इंडोल प्रोपियोनिक अमल। फिर है NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NAA का पूरा नाम क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या नेफ्थलीन एसिटिक अमल। उसके बाद में आ जाता है अपना 2,4-D, तो इसका मतलब है दो नंबर कार्बन पे और चार नंबर कार्बन पे, 2,4 और डी का मतलब दो और दो नंबर कार्बन और चार नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, फिनोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो डी का मतलब है यहां 2,4-Di, दो का मतलब डाई, तीन का मतलब ट्राई, एक का मतलब मोनो, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 2,4-Di क्लोरो, क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ी हुई है, क्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड या अमल, 2,4-Di क्लोरो फिनोक्सी एसिटिक अमल। और इसी प्रकार ये क्या है, 2,4-5, यानी दो नंबर कार्बन पे, चार नंबर कार्बन पे और पांच नंबर कार्बन पे, तीनों जगह क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो यहां हम क्या कह देंगे, 2,4-5, और ये हो जाएगा अपना ट्राई क्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड। तो इनके पूरे नाम अपने को पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात अपन देखते हैं ऑक्सीजन के जो कार्य की प्रभाव है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, किस प्रकार से ऑक्सीजन कार्य करता है, कहां कहां कार्य करता है, और इसके बाद में अपना ये ऑक्सीजन पूरा हो जाता है, उसके बाद में दूसरा लेंगे अपन जिब्रेलिन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव देखिए, ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी आती है अपनी, वो है सेल डिवीजन, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, पादप वृद्धि, और पादप वृद्धि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है
उसके कारण भी क्या होती है पादप वृद्धि। तो सबसे पहला काम ऑक्सिन क्या करता है, वो करता है कोशिका विभाजन। और दूसरा वृद्धि का अपना फेज कौन सा था, दूसरा वृद्धि का फेज अपना था कोशिका कोशिका दीर्घीकरण, यानी जो कोशिका दीर्घीकृत होती है लंबाई में बढ़ोतरी करती है, उसका भी महत्वपूर्ण घटक कौन है, कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला ऑक्सिन है। और उसके पश्चात ऑक्सिन का तीसरा कार्य की प्रभाव क्या है, ये जड़ का निर्माण करता है। तो हम यूं कह सकते हैं कटे तनों पर जड़ का विभेदन किसके द्वारा होता है, ऑक्सिन के द्वारा होता है। और एक कार्य अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि शीर्ष की जो प्रमुखता है वो शीर्ष प्रमुखता किसके द्वारा लाई जाती है, ऑक्सिन के द्वारा। एक उदाहरण या एक प्रश्न इस प्रकार से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्यान में आप लोगों ने देखा होगा बगीचों में कि मेहंदी के जो पौधे लगे हुए रहते हैं, मेहंदी के पौधों की बाड़ लगाई जाती है, वो सारे के सारे पौधे एकदम इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसका कार्य कार्य की प्रभाव क्या है कि जैसे ही एक निश्चित आकार के पश्चात पादप की शाखाएं वृद्धि करती है तो उनको काट दिया जाता है। तो जैव आमापन टेस्ट में अपन ने देखा था कि काटने के पश्चात क्या होगा कि जो शीर्ष भाग है वहां पर क्या होता है, ऑक्सिन का संश्लेषण होता है, और यहां से इसको काट देंगे तो ये वृद्धि करना बंद कर देगी ये शाखा, और नीचे से जो दूसरी शाखा है वो यहां तक आएगी, फिर यहां तक इस लेवल तक आ जाती है तो उसको भी काट देते हैं, तो एक तरह से बाड़ बनाई जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सिन के कारण क्या होती है, शीर्ष प्रमुखता आती है। और एक हार्मोन आता है अपना पांच हार्मोनों में एब्सेसिक अम्ल। तो एब्सेसिक अम्ल मैंने आपको बताया था पहले भी, इथाइलिन और एब्सेसिक अम्ल क्या करते हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन है, यानी ये वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। तो ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, एब्सेसिक अम्ल के विपरीत कार्य करता है, अर्थात एब्सेसिक अम्ल क्या करेगा, एब्सिएशन परत का निर्माण करता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सिन एब्सिएशन परत को रोकने का कार्य करता है, यानी वो परत बनने नहीं देता, एब्सिएशन परत को रोकने का कार्य करता है, जिससे क्या होगा, एब्सिएशन परत बनने से क्या होगा, जो पत्तियां टूटकर अलग होती है पतझड़ के समय या सामान्य अवस्था में भी पत्तियां टूट जाती है, तो उसका कारण है कि एक एब्सेसिक अम्ल क्या करता है, एक एब्सेसन परत का निर्माण करता है। तो उस परत का विरोध कौन करता है, ऑक्सिन करता है। अब हम देखें इसके उपयोग, ऑक्सिन के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन का पहला उपयोग है वो क्या है, खरपतवारों का विनाश, यानी जो खेती की जाती है तो खेती करते समय कुछ अवांछित पादप उग जाते हैं, तो ऑक्सिन का छिड़काव करने से क्या होगा कि ये मुख्य फसल को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उनके साथ में जो पादप उग चुके हैं उन पादपों को ये समाप्त करने का कार्य करता है। दूसरा जो अपन ऊपर भी लिख चुके हैं, इसका काम क्या है कि अगर हम कलम तैयार करते हैं किसी पादप की, तो कलम में जड़ का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा किसके द्वारा, ऑक्सिन के छिड़काव के द्वारा। तो हम कह सकते हैं जड़ का प्रारंभीकरण किसके द्वारा होगा, ऑक्सिन के छिड़काव से हो सकता है, ऑक्सिन के स्राव से, ठीक है। और तीसरा ये क्या करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है, यानी पादपों में पुष्प निर्माण के लिए ये उत्तरदायी होता है। अगर हम बात करें लीची और आपके अनानास, पाइनएप्पल, एनानास सेटाइवा उसका वानस्पतिक नाम है, तो इनके ऊपर ऑक्सिन छिड़कने से, और कौन सा ऑक्सिन, अभी देखिए खरपतवारों का विनाश के लिए अगर अपन बात करें पर्टिकुलर हार्मोनों का, एक साल बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि कौन से हार्मोन का क्या कार्य है, तो अगर खरपतवारों का विनाश पूछा जाता है तो उसमें अपना हार्मोन आ जाएगा 2,4-D and 2,4-5-T। ये हार्मोन क्या करते हैं, खरपतवारों का विनाश करते हैं। तो उसी प्रकार पुष्पन को प्रेरित कौन से हार्मोनों के छिड़काव से होगा, तो एक तो अपना हो गया 2,4-D और दूसरा हो गया NAA, अर्थात नेथिलीन एसिटिक एसिड, जो अभी अपन ने पूरे नाम लिखे थे। तो इन दोनों के छिड़काव से क्या होगा, लीची पाइनएप्पल जैसे पादप है उनमें पुष्पन शीघ्रता से आएंगे। और चौथा इसका कार्य है
अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन क्या होता है कि बिना निषेचन की क्रिया के फल का निर्माण, बिना निषेचन की क्रिया के फल का निर्माण, ऑक्सीजन का छिड़काव करने से पादपों में निषेचन की आवश्यकता नहीं होती और बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। और आप लोगों को पता होगा इस कार्य को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि बीज रहित फल का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो बिना निषेचन की क्रिया के जब फल का निर्माण होगा तो उसमें बीजों का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। फिर पांचवा आ जाता है अनिषेक फलन, समझ में आ गया, बिना निषेचन की क्रिया के फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है और बिना निषेचन की क्रिया के जो फल बनता है उसे अनिषेक फल कहते हैं। और अगला कार्य क्या है इसका, तो अगला कार्य आप लोगों को पता है कि ये जब एपिकल डोरमेंसी यानी शीर्ष प्रमुखता को लाता है तो इसका मतलब ये प्रसुप्ति को क्या करता है, प्रसुप्ति को समाप्त करता है। प्रसुप्ति को, प्रसुप्ति का मतलब क्या हुआ कि जब कोई बीज सुप्त अवस्था में चला जाता है उसमें अंकुरण प्रारंभ नहीं होता है तो उसको अपन कह देते हैं प्रसुप्त। और इस प्रसुप्तता को दूर करने के लिए यानी अगर अंकुरित नहीं हो रहा है, एक साधारण सा प्रयोग मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम रात को चनों को भिगो देते हैं और सुबह उठकर भीगे हुए चने खाते हैं तो उनमें से कुछ चने अपने को इस प्रकार के मिलते हैं जो भीगते नहीं है या कड़े के कड़े रह जाते हैं, तो इसका मतलब उनका अगर हम उन बीजों को उगाएंगे तो उनमें अंकुरण भी प्रारंभ नहीं होगा। तो अंकुरण का न होना क्या कह सकते हैं, प्रसुप्ति, ठीक है। तो ये प्रसुप्ति को समाप्त करता है या हम यूं कह सकते हैं प्रसुप्ति समाप्त या बीजांकुरण को प्रारंभ करता है। तो बीजांकुरण को प्रारंभ करने वाला हार्मोन कौन सा हो गया, ऑक्सीन हो गया। इसके अलावा ये जो एंजाइमों की क्रिया है, एंजाइमों की क्रियाशीलता, एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य भी करता है, एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाना। और इसके अलावा एक और कार्य है या एक और उपयोग है ऑक्सीजन का, वो क्या है कि कुछ पादपों में हम देखते हैं कि फल जो है वो बिना पके हुए ही गिर जाते हैं, तो जो अपरिपक्व फल है, अपरिपक्व फलों को गिरने से बचाना, अपरिपक्व फलों को गिरने से बचाना, ये भी किसका कार्य है, ऑक्सीजन का ही कार्य है। तो इस प्रकार से आज हमने ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन किया। ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज का श्रेय हालांकि चार्ल्स डार्विन, फ्रेंसिस डार्विन, बॉयसन, जॉनसन, पाल, एफडब्ल्यू एंड कई वैज्ञानिकों ने यहाँ पे प्रयोग किए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की खोज का श्रेय या एक वैज्ञानिक का नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो हम क्या आंसर देंगे कि ऑक्सीजन की खोज जो है वो एफडब्ल्यू वेंट ने की थी, ठीक है। उसके बाद में चार प्रकार थे अपने ऑक्सीजन के, एक पूर्ववर्ती ऑक्सीजन, एक मुक्त ऑक्सीजन, एक बंधित ऑक्सीजन और एक प्रति ऑक्सीजन। इसके अलावा दो ऑक्सीजन के अपने पास क्या है, अणुसूत्र है, ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी। ऑक्सीजन ए जो है C18H32O5 और ऑक्सीजन बी का अणुसूत्र जो है C18H30O4। उसके बाद में रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना में एक अपने पास आ जाती है पाइरोल वलय और एक आ जाती है बेंजीन वलय, जिसके एक किनारे पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरे किनारे पर CH2CWH जुड़ा हुआ है। उसके बाद में कुछ फुल फॉर्म थी या कृत्रिम रूप से संश्लेषित ऑक्सीजन थे, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, NAA नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-5-T 2,4-5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और उसके पश्चात ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव, जिसमें अपना कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घीकरण, जड़ का निर्माण, शीर्ष प्रमुखता और एब्सेशन परत के निर्माण को रोकना, और उसके पश्चात अपने ये ऑक्सीजन के उपयोग है यानी ऑक्सीजन का कृत्रिम रूप से जो ऑक्सीजन संश्लेषित किए गए हैं उनका छिड़काव करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो खरपतवारों का विनाश कर सकते हैं, जड़ का प्रारंभीकरण कर सकते हैं, पुष्पन को प्रेरित कर सकते हैं,
एनिसेक फलन को प्रेरित किया जा सकता है, प्रसुप्ति को समाप्त किया जा सकता है या बीजांकुरण को प्रारंभ किया जा सकता है, एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाया जा सकता है और अंतिम है अपना अपरिपक्व फलों को गिरने से बचाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए अपने ऑक्सीजन के उपयोग हो गए। आज के लिए इतना ही, कल हम जिब्रेलिन साइटोकाइनिन आदि हार्मोनों की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।